हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकाज हेल्दी किचन। आज अलकाज हेल्दी किचन में हम बना रहे हैं आम पापड़। गर्मी का मौसम है, आम भी सीजन में है, तो चलिए आम पापड़ बनाते हैं। बच्चों को आम पापड़ बहुत पसंद होता है, मेरे भी दो बेटे हैं, उन्हें आम पापड़ बहुत पसंद है और ये बनकर झटपट से रेडी हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बनाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आम ले लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का आम लिया है, मतलब खट्टा मीठा है ये, थोड़ा बहुत एकदम से पका नहीं है, थोड़ा इसमें खट्टापन है। और मैंने यहाँ पे 800 से 700 ग्राम ये आम लिया है लगभग, और इसे पल्प वगैरह निकाल करके ये अराउंड 500 ग्राम है। तो चलिए आप कच्चे आम का भी बना सकते हैं, मैं इसे बाद में बताऊंगी। अब मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया है। अब सारे इस पल्प को हम इसमें निकाल देंगे मिक्सी जार में और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। और ये देखिए हमारा मैंगो पल्प बन के एकदम से रेडी हो गया। ये देखिए इस तरीके से एकदम से अच्छे से पीस लिया है ये मैंने। अच्छे से पीसना है, इसमें एक भी इसका गुठली जैसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से एकदम से पीस जाना चाहिए ये। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दी है और गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम सारे मैंगो को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। और ये देखिए ये थोड़ा इस तरीके का हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें 3 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा है और इसमें खट्टापन भी है, इसलिए मैंने कम ही डाली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आप चेक कर लें, आपको जैसा लगे उस हिसाब से आप इसमें चीनी डालें, क्योंकि ज़्यादा पके हुए मैंगो होते हैं तो बहुत मीठे होते हैं और ज़्यादा चीनी डालेंगे तो बहुत मीठा हो सकता है। अब मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है 1/3 चम्मच। ये ऑप्शनल है, वैसे अगर डालेंगे काला नमक तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर डालें थोड़ा सा। और बहुत से लोग इसमें इलायची पाउडर डालते हैं, आप डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा अलग सा टेस्ट हो जाता है, प्योर आम पापड़ का नहीं आता है, तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब इसे देखिए अच्छे से इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है और फ्लेम को एकदम से लो रखें, धीमी आंच पर। हमें कम से कम 15 मिनट के लिए इसे पकाना है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है और थोड़ा ढक के पकाएं, वरना तो छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं। तो जब भी इसे बीच बीच में आप चलाएंगे तो उघाड़ लें, बाकी टाइम आप इसे ढककर रखें, नहीं तो इसकी गरम गरम छींटे आप पे आ सकती हैं और आप जल सकते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इसे 15 मिनट के लिए पका लेना है। और ये देखिए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक थाली वगैरह में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसे ट्रांसफर करने से पहले, पलटने से पहले, जिस भी बर्तन में हमें इसे पलटना है उसमें थोड़ा सा ऑयल घी कुछ भी लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है, ब्रश से, हाथ से, किसी भी चीज़ से अच्छे से फैलाना है। ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम, जिससे कि हम बैटर डालें तो वो आसानी से फैल जाए और जब छुटाएं तो आसानी से छूट जाए। और ये हमें ठंडा नहीं करना है, जैसे ही हम फ्लेम को बंद करेंगे तुरंत के तुरंत ही हमें ये थालियों में ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब कि पलट देना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरीके से इक्वली इस तरीके से हमें फैला देना है, थोड़ा थोड़ा टैप करके, थोड़ा इधर उधर को फैला करके, हाथ से इसमें हमें चम्मच हाथ नहीं लगानी है, इस तरीके से गोल गोल ऐसे ऊपर नीचे करके ही इस तरीके से ही हमें ये फैलाना है। और देखिए ये थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं रखना है, वरना तो आपका आम पापड़ एकदम से पापड़ जैसा न बन जाए, आप इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए थोड़ा सी इसकी मोटी लेयर रखनी है हमें। और अब हम इसे 1.5 दिन के लिए धूप में सुखा देंगे, कम से कम 1.5 से 2 दिन लगेगा। अगर आपके यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है 1 दिन में भी सूख जाए, और अगर धूप नहीं है,
आप इसे नीचे भी सुखा सकते हैं पंखे की हवा में। 2 दिन पंखे की हवा में रखेंगे तो अच्छे से सूख जाएगा। और ये देखिए 1.5 दिन बाद हमारा आम पापड़ सूख करके बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे छुटा लेंगे। इस तरीके से आराम से। और ये देखिए ये आसानी से छूट गया है। अगर आपके पास जैसे आप कच्चे आम का भी आम पापड़ बनाना चाहते हैं तो कच्चे आम का भी इस तरीके से सेम आप बना सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा आपको, लगभग आधे गिलास से थोड़ा सा कम पानी डालें इतने ही पल्प में, तो आपका कच्चे आम से भी आम पापड़ बन जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा पका, थोड़ा मिठास होनी चाहिए उसमें, ज़्यादा खट्टा रहेगा तो एकदम से उसमें शुगर बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी, चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा खट्टा मीठा होना चाहिए। और अगर खट्टा बिल्कुल मीठा वाला नहीं मिल रहा है तो आप कच्चा बिल्कुल कच्चा भी ले लें, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल यही है, तो आप कच्चे आम से भी आम पापड़ बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। मैं इस तरीके से राउंड में भी इसे कट करके इसकी राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए। और ये थोड़ा देखिए थिक है, थोड़ा मोटा है, तो इस तरीके का ही आम पापड़ आप बनाएं, एकदम से पतला ना बनाएं, वरना तो वो खाने में खाया नहीं जाता। और आप चाहें तो इस तरीके की शेप में कट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको जो शेप पसंद है आप राउंड में कट करें या फिर इस तरीके से करें, आपको जो भी पसंद है आप उस तरीके से कट करें। और ये देखिए हमारा आम पापड़ बनके एकदम से तैयार है। आम पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अलकाज हेल्दी किचन में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। बाय बाय।